नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme Nord जो N63 मोबाइल में आप किस तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। तो फिंगरप्रिंट सेटिंग करने के लिए सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। सेटिंग को ओपन करोगे तो स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है एंड यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर डिवाइस अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाना है। उसके बाद फेस एंड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट को सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर न्यूमेरिक अल्फामेरिक पैटर्न तीन ऑप्शन मिलेंगे, तो किसी भी एक पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं पैटर्न पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर एक पैटर्न डाल लेना जो भी आप रखना चाहते हो। फिर से कन्फर्म कर दीजिए और इस तरीके से आपके साइड बटन पर जो फिंगरप्रिंट दिया गया है उसको स्कैन करवाना है। जितना अच्छे से आप फिंगर स्कैन करवाएंगे उतना ही फास्ट आपका फिंगरप्रिंट काम करेगा। तो देख पा रहे हो फिंगर मैं स्कैन करवा रहा हूँ, इस तरीके से आपको भी फिंगर को स्कैन करवा लेना है। डन करेंगे। डन करने के बाद दोस्तों आपका फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिंगर सही ओपन हो रहा है।